गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद इन 20। ओके, टेक आउट योर मैथ्स बुक। ओके, मैथ्स बुक निकालनी है आपको और ओपन द पेज नंबर 27। लेट्स रिहर्स थर्ड ए। ये जो है यहाँ पे आपकी पिक्चर्स के थ्रू आपको एडिशन सिखाए गए हैं। फर्स्ट देखेंगे हम, सबसे पहले एडिशन जो है कैप का एडिशन है। देयर आर फोर कैप्स। कितनी कैप्स हैं? फोर कैप्स हैं। और नेक्स्ट कॉलम में कितनी कैप हैं आपकी? नेक्स्ट कॉलम में आपकी थ्री कैप्स हैं। 1, 2, 3 थ्री कैप्स हैं। आप टोटल कैप काउंट करेंगे हम, कितनी कैप्स हुई हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हुई? 7। यस, नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले कॉलम की कैप लिखी है 4, देन सेकंड वाले कॉलम की कैप लिखी है 3, और उनका टोटल हुआ 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिख दिया 7। टोटल कितनी कैप्स है? हाउ मैनी कैप्स आर देयर? देयर आर 7 कैप्स। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए टी शर्ट्स बनी हुई हैं। फर्स्ट वाले में काउंट करेंगे हाउ मैनी टी शर्ट्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 देयर आर 6 टी शर्ट। नेक्स्ट 1 एंड 2 कितनी है? 2। नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले कॉलम की टी शर्ट्स लिखी हैं 6 और सेकंड वाले की लिखी हैं 2। तो हाउ मैनी टोटल टी शर्ट्स आर देयर? देयर आर 8 टी शर्ट्स। यस, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 8। ये आपको पिक्चर्स के थ्रू क्लियर किया गया है। फिर आपको नंबर्स के थ्रू एडिशन सिखाए जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर है कैप की। कैप की यहाँ पे कितनी कैप है? यहाँ पे कैप है 3। काउंट करेंगे 1, 2, 3 देर आर 3 कैप्स। काउंटेड हो गई सबकी। नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, नेक्स्ट कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 कितनी कैप्स हैं? देर आर 5 कैप्स। टोटल यहाँ पे 5 कैप्स हैं। उसके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं। पहले फर्स्ट कॉलम का नंबर लिखा है 3, यानी कि 3 कैप्स हैं। फिर सेकंड वाले कितने हैं? बॉक्स में कैप बनी हुई है 5। तो टोटल कैप्स कितनी हुई? 8। 3 और 5, 8 हमने कैप्स को काउंट कर लिया। हमारी कैप्स यहाँ पे 8 है, तो हमने यहाँ पे नंबर 8 लिख दिया। इज इट क्लियर? 3 पिक्चर्स के थ्रू आपको क्लियर किया गया है कि यहाँ पे कितनी यहाँ पर कैप्स हैं। देन वॉचेस देखिए कितनी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है? 5 है। नेक्स्ट कितनी है? 1, 2, 3 अब टोटल हमने काउंट की तो कितनी हुई हमारी? अगेन काउंट करेंगे इनको, टोटल करेंगे। अब पहले हमने सिंगल सिंगल काउंट की थी, अब हम इनको कैसे काउंट करेंगे? इनको हम टोटल काउंट करेंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। पहले में 5 थी, दूसरे में 3 थी, उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है 5, 3 और टोटल उनका हुआ 8। इज इट क्लियर? आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि हमारे टोटल कैप्स कितनी, क्लॉक यहाँ पे वॉच कितनी है हमारी? हमारी यहाँ पे है 8 है। नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। एट द फॉलोइंग बाय ड्राइंग लाइंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अभी आपने पिक्चर्स के थ्रू सीखा था कि यहाँ पे हमारे टोटल कितनी पिक्चर्स हैं, कितना उसका टोटल कितना हुआ। उसके बाद हम सीखेंगे लाइन से ऐड कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक में हो रहा है आपका, उसमें है 2, तो 2 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। सेकंड में 6 लाइन ड्रॉ हो रही हैं। फिर हमने इन टोटल लाइन को काउंट किया। टोटल लाइंस आर देयर 2 और 6 8 लाइंस हो गई। फिर हमने 8 लाइंस ड्रॉ करी, तो वहाँ पर हमने ऊपर 8 लिख दिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, जो आपको मैं समझाती हूँ। यह नंबर लिखा हुआ है 4,
यस, उसके नीचे आपने फोर लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट नंबर लिखा है थ्री, तो उसके नीचे थ्री लाइन ड्रॉ कर दी आपने। टोटल आपने लाइंस कितनी ड्रॉ करी हैं, फोर और थ्री, काउंट करेंगे तो वो हमारी होंगी सेवन। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सेवन लाइंस बनानी है और सेवन नंबर वहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे ब्लॉक में क्या लिखना है, सेवन नंबर लिखना है। ओके, थ्री वाला है, यहाँ पर देखिए नंबर थ्री लिखा है तो उसके नीचे आपको थ्री लाइन ड्रॉ करनी है। टू लिखा है तो उसके नीचे आपको टू लाइन ड्रॉ करनी है। तो टोटल लाइंस कितनी ड्रॉ करी है आपने, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और आपको ऊपर नंबर फाइव ही वहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ओके, यहाँ पे आपने फाइव नंबर लिख दिया। टोटल लाइंस कितनी है, फाइव है, तो थ्री और फाइव पे टोटल कितना हुआ, फाइव हुआ। नेक्स्ट है फाइव, फिर नीचे फाइव लाइन ड्रॉ करी, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद टू है तो टू लाइन्स ड्रॉ करी, फिर टोटल लाइंस काउंट कर ली हमारी, लाइंस कितनी हुई टोटल, टोटल लाइंस हुई हमारी सेवन। फिर हमने उसके आगे इक्वल टू का साइन लगा के सेवन लाइंस ड्रॉ कर दी, और जो खाली वाला हमारा ब्लैंक है, सर्कल बना हुआ है, वहाँ पर हमने सेवन नंबर राइट डाउन कर दिया। इज़ इट क्लियर, आपको ये ड्रॉ लाइन से समझ में क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट आएंगे हम सिक्स नंबर, क्या है ये, सिक्स नंबर है और टू नंबर है। सिक्स के नीचे आपको सिक्स लाइन ड्रॉ करनी है, टू के नीचे आपको टू लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको इन सारी लाइंस को काउंट करके उसके आगे एक साथ सारी लाइन ड्रॉ करनी है। टोटल लाइंस आपने काउंट की तो वो एट थी, और एट लाइन आपने आगे ड्रॉ करनी है, और ऊपर आपने सर्कल में एट नंबर राइट डाउन करना है। क्लियर, आप मेरे साथ करते जाइए साथ साथ अपनी बुक्स में, ये आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट है आपका फाइव और ज़ीरो। फिर आपने क्या किया, फाइव लाइंस ड्रॉ करी, ज़ीरो मतलब मींस कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी, वहाँ आपने ज़ीरो लिख दिया। तो आपने कितनी लाइन ड्रॉ करी, टोटल आपने फाइव लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, तो आपने आगे फाइव लाइन अगेन ड्रॉ कर दी, और आपने सर्कल में भी फाइव नंबर राइट डाउन कर दिया। फिर नेक्स्ट है थ्री, वन, अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वन टू एंड थ्री, कितनी लाइंस कहीं ड्रॉ, थ्री लाइंस की, यस। अब इसको मैंने इरेज किया आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट सिक्स लाइंस अगेन ड्रॉ करनी है, इसके नीचे करेंगे एक साथ नहीं आ पाएंगी, उसके नीचे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब टोटल लाइंस आपने थ्री और सिक्स लाइन ड्रॉ करी, आपने उसको काउंट किया, वो हो गई आपकी सिक्स और थ्री कितनी हो गई, नाइन हो गई। तो आपने वहाँ अगेन नाइन लाइन ड्रॉ कर दी उसके नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, आपने नाइन लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपकी कितनी लाइंस हो गई, नाइन हो गई। तो आपने सर्कल में वहाँ पे नाइन्स लिख दिया। फिर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइव लाइंस, यस ये फाइव है, तो आपने नीचे फाइव लाइन ड्रॉ करी, वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन फाइव लाइन ड्रॉ करी, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितनी हो गई लाइंस आपकी, यस गिव मी आंसर, आपकी लाइंस हो गई, टोटल लाइंस हो गई आपकी टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो यू हैव टू राइट नंबर टेन इन सर्कल, आपको सर्कल में टेन नंबर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सिक्स और थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री, सिक्स लाइंस हैं, फिर थ्री लाइंस हैं, टोटल लाइंस आपकी हुई नाइन, तो आपको वहाँ पे नाइन लाइन ड्रॉ करके सर्कल में नाइन नंबर राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है नाइन और वन, आपको नाइन के नीचे नाइन लाइन ड्रॉ करनी है, वन के नीचे वन लाइन ड्रॉ करनी है, फिर टोटल आपने काउंट की तो आपकी टेन लाइन्स हुई, और टेन लाइन्स आपको आगे ड्रॉ करके सर्कल में टेन नंबर राइट डाउन कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एंड 4। 5 के नीचे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 के नीचे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो 9 हो जाएंगी। 9 आपको लाइन ड्रॉ करके सर्कल में आपको ऊपर 9 लिख देना है। नेक्स्ट 3 एंड 4, क्या है 3 और 4 है, आपको 3 के नीचे 3 लाइन ड्रॉ करनी है और 4 के नीचे 4 लाइन ड्रॉ करनी है और आपको उसको काउंट करना है, तो वो टोटल लाइंस आपकी होंगी 7। तो 7 आपको सर्कल के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, 7 लाइंस, और सर्कल में आपको 7 नंबर राइट डाउन कर देना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से क्लियर हुआ सब्स्ट्रक्शन? पहले आपको पिक्चर्स के थ्रू क्लियर किया गया कि पिक्चर्स काउंट करके आपको कैसे नंबर्स दिए गए हैं उनको टोटल नंबर लिखना है, फिर आपको लाइन से ड्रॉ करके टोटल काउंट करके बताना है कि वो कितने नंबर हुए। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।